First, in the chemical equation, we are doing effect of CO2. So, जब भी बॉडी में CO2 राइज होती है या ब्लड में CO2 राइज होती है, CO2 इज वेरी डिफ्यूजिबल. हमने पिछली बार भी किया था, ये CO2 के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो इमीडिएटली CO2 क्रॉस करके ब्रेन के इंटरस्टीशियल फ्लूड में आ जाती है, और ब्रेन के इंटरस्टीशियल फ्लूड से ये CO2 इमीडिएटली ब्रेन में जो फ्लूड भरा होता है बीचों बीच में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड में भी ये CO2 पहुंच जाती है. अगर इसको हम कंपेयर करें HIM से, तो अगर HIM का लेवल बढ़ता है तो भी HIM ट्राई करता है, बट टू HIM टू टू इंटर थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर इज नॉट इजी. CO2 इजिली इंटर द ब्लड ब्रेन बैरियर, बट HIM एंट्री थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर इज वेरी लेस एंड वेरी लेट. HIM के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना आसान नहीं है, इसीलिए HIM का इफेक्ट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर पे लेस है और लेट है. सो बट CO2 इमीडिएटली क्रॉसेस, एंड दिस CO2 रिएक्ट विद वाटर, जैसा कि हमने क्लोराइड शिफ्ट में भी किया था. CO2 की टेंडेंसी होती है वाटर से रिएक्ट करने की इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम टू फॉर्म अनस्टेबल एसिड H2CO3. कार्बोनिक एसिड H2CO3 इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू HCO3 एंड HIM. तो CSF में अगर ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ये CO2 अल्टीमेटली CSF में ब्रेन के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड में HIM का लेवल बढ़ा देगा. सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो कि DRG के ठीक पीछे होते हैं, उनका एक ही स्टिमुलस होता है. दे आर हैविंग ओनली वन स्टिमुलस, एंड दैट स्टिमुलस इज CSF HIM. उनका केवल एक ही स्टिमुलस होता है CSF HIM. लेकिन CSF HIM पैरेलल ब्लड CO2, CSF HIM ब्लड के CO2 पे डिपेंड करता है, इवन ब्लड के HIM पे भी डिपेंड नहीं करता है. तो CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ये सारी रिएक्शन होगी और CSF में HIM का लेवल बढ़ जाएगा. दिस HIM विल स्टिमुलेट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर विल स्टिमुलेट DRG, एंड DRG स्टिमुलेशन विल कॉज इंक्रीज रेस्पिरेशन. सो दिस इज द होल सीक्वेंस. 80% इफेक्ट ऑफ CO2 इज बाय दिस सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, व्हाइल 20% इफेक्ट ऑफ CO2 इज बाय स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. उसका व्हाई इट इज हैविंग अ वीक क्रॉनिक इफेक्ट, बिकॉज इन 2 डेज आवर किडनी, 2 दिन अगर CO2 का इफेक्ट बना होता है तो 2 दिन में किडनी कंजर्व HCO3. किडनी एसिड बेस बैलेंस का काम करती है और ये HCO3 का लेवल बढ़ा देती है इन 2 डेज, एंड दिस HCO3 अल्टीमेटली विल कम टू CSF एंड इट विल न्यूट्रलाइज HIM. ये HCO3 HIM को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो ये रिएक्शन 2 दिन लेती है, तो 2 दिन के बाद तो CO2 का इफेक्ट केवल 20% रह जाता है, लेकिन पहले 2 दिन में काफी इफेक्ट होता है. इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्यूट एंड वीक क्रॉनिक इफेक्ट. ये बहुत ज्यादा अगर CO2 बढ़ जाता है, देखिए थोड़ा बढ़ता है तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, हाइपरकैपनिया बोलते हैं, अगर CO2 का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो पूरे ब्रेन को और रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देगा, उल्टा इफेक्ट आएगा और रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो सकती है. तो दिस इज इफेक्ट ऑफ CO2, फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन.